और अब बात करते हैं सतना की, जहां की सिंहपुर थाना क्षेत्र के उसरहा गांव में एक महिला प्रेम के नाजायज संबंधों में इस कदर अंधी हुई कि उसने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर उसे कुएं में फेंक दिया। लोगों की नजर में बेचारी बनने के लिए उसने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी, मगर इश्क और गुनाह छिपाए नहीं छिपता। लिहाजा 8 महीने बाद पति का कंकाल मिलने पर वो और उसका प्रेमी दोनों ही पकड़े गए। इस मामले में सतना SP आशुतोष गुप्ता ने शनिवार को अंधी हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि 16 जून को उसरहा गांव के एक कुएं में नरकंकाल मिला था। मृतक की पत्नी उर्मिला कुशवाहा और उससे 6 साल के छोटे प्रेमी कैलाश कुशवाहा निवासी देवरी उसरहा टोला को गिरफ्तार कर लिया है। SP ने बताया कि 16 जून को गांव के कुएं में बड़े पत्थरों से तार से लिपटा हुआ मानव कंकाल मिला था। गुमशुदगी की शिकायतें खंगाली गई तो पता चला कि शिव कुमार कुशवाहा कई महीने से लापता है। पुलिस ने शिव कुमार की पत्नी उर्मिला से पूछताछ की, जिसने पहले तो बातों में पुलिस को खूब घुमाया। इस दौरान ये भी पता चला कि उर्मिला के साथ कैलाश घूमता फिरता और मिलता जुलता है। पुलिस को संदेह हुआ तो उर्मिला को दोबारा पूछताछ के दायरे में लिया गया, जिसके बाद वो टूट गई और सच निकला। उसने कबूल किया कि पति शिव कुमार की हत्या उसने अपने प्रेमी कैलाश के साथ मिलकर 8 महीने पहले ही कर दी थी। शव को कुएं में पत्थर से बांध कर फेंक दिया था। पुलिस ने उर्मिला को पकड़ने के बाद कैलाश की तलाश में छापेमारी की और उसे देवेंद्र नगर पन्ना से गिरफ्तार कर लिया है। विराट 24 न्यूज के लिए सतना से संपत मिश्रा की रिपोर्ट। जो गांव का कैलाश कुशवाहा था, उसके साथ तो उसके 8 साल से संबंध थे और उसके पति को इस बारे में पता चल गया। उसके उपरांत पता किया गया कि ये कैलाश कुशवाहा तब तक वो घर से फरार हो गया था। उसको बड़ी मेहनत करके उसको पन्ना जिले से पकड़ा गया, जहाँ पर कि उसका स्थायी पता भी वो ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ पर कि नॉर्मल आवाजाही नहीं होती है और नॉर्मल टाइम्स में उसमें पानी भी भरा रहता है। और वो ऐसी जगह था कि बाड़ी भी ऐसे लगी हुई थी कि कोई इंसान कभी भूल करके भी वहाँ नहीं जाएगा, तो उनको लगा था कि कभी भी इस घटनाक्रम का खुलासा नहीं हो पाएगा। परंतु चूंकि अब पानी सूख चुका था, गर्मी का सीजन है और वहाँ पर लोग अब आने जाने लगे, तो इसकी वजह से उनका जो है पूरा इस प्रकार से ये एक अंधी हत्या थी। नरकंकाल जो मिला था, पहले उसको ट्रेस करना, उसके बाद में उसके कारणों का पता करना और उसके उपरांत आरोपियों को गिरफ्तार करना, इन तीनों ही पक्षों में हमारे सिंहपुर पुलिस और नागौर SDO के साथ में काफ़ी मेहनत करी है और इसी का नतीजा है कि दोनों आरोपी उर्मिला कुशवाहा, पति शिव कुमार कुशवाहा स्वर्गीय, और कैलाश कुशवाहा पिता ज्ञान प्रसाद कुशवाहा, इन दोनों की गिरफ्तारी संभव हो पाई।